एक पेड़ पर एक घोंसला था, तिनकों से भरा, यहाँ वहाँ सब फैला हुआ कौवे का। और एक घोंसला था बड़ा खूबसूरत, अच्छा सा सजाया हुआ चिड़िया का। एक बार क्या हुआ, भयानक तूफान आया, बिजलियाँ चमकी, बारिश भी शुरू हुई। और जो कमजोर था वो कौवे का घोंसला टूट गया, कौवा पूरी तरह से भीग गया। कौवे ने तय किया कि पड़ोस की चिड़िया के घर में जाएंगे, घोंसले की गर्मी में चुपचाप बैठे रहेंगे। कौवे ने चिड़िया का दरवाजा खटखटाया और बोला, चिड़िया बहन दरवाजा खोलो। चिड़िया बहन ने कहा, कौवा भैया जरा रुकिए, मैं मेरे मुन्ने को नहला रही हूँ। कौवा थोड़ी देर रुका, फिर से बोला, चिड़िया बहन दरवाजा खोलो। चिड़िया बहन ने कहा, जरा रुकिए ना कौवा भैया, मैं मेरे मुन्ने को कपड़े पहना रही हूँ। थोड़ी देर के बाद कौवे ने फिर से दरवाजा खटखटाया, चिड़िया बहन जरा जल्दी दरवाजा खोलो ना। चिड़िया बहन ने कहा, रुकिए ना जरा, मैं मेरे मुन्ने को काला टीका लगा रही हूँ। लेकिन बाहर कौवा बारिश में पूरा भीग चुका था, वो ठंड से कांप रहा था। फिर से बोला, चिड़िया बहन दरवाजा खोलो ना, बारिश में मैं बहुत भीग गया हूँ, ठंड से कांप रहा हूँ। ये सुनके चिड़िया बहन ने दरवाजा खोला, कौवा भैया को घर में लिया, बदन पोंछने के लिए टॉवल दिया और कहा, कौवा भैया यहाँ बैठिए, मैं अभी नहा के आती हूँ। कौवा भैया को किचन से खीर के पकने की खुशबू आने लगी। उससे नहा न गया, उठ के किचन में गया। गरम गरम खीर की खुशबू से कौवे को लगी बहुत भूख। और फिर क्या, उसने और कुछ भी नहीं सोचा, उसने खीर चट कर डाली। नहा के आई चिड़िया बहन ने देखा कि मुन्ने को खिलाने की खीर कौवा भैया ने तो खत्म कर डाली। उसे बहुत गुस्सा आया। चूल्हे में से जलती लकड़ी उठा के उसने कौवे पे फेंक दी। कौवे की पूंछ पे जलती लकड़ी गिरने से उसकी पूंछ जल गई, वो चिल्ला के भाग गया। मेरी पूंछ जल गई, चिड़िया बहन की खीर खाई पूंछ जल गई, सबक मिला, पूंछ जल गई सबक मिला।